please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। सीधी जिले के चुरहट में हुई शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके रथ पर पथराव किया गया। पथराव के समय मुख्यमंत्री रथ पर ही मौजूद थे, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बीजेपी ने पत्थरबाजी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर रही है। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान के दो मंत्रियों ने कांग्रेस पर पथराव करवाने का आरोप लगाया। रथ यात्रा पर पत्थर मारा, हमला किया, क्या वजह है, कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, जिस दिन से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई है और जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह का जनता का जन समर्थन और आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तभी से लेके कांग्रेस के लोगों में हताशा और निराशा है। और पहले लगातार कांग्रेस के लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, और अब कांग्रेस हिंसा पर उतर आई है। और रात में जो जिस तरह से चौहट में माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी, और हम इस घटना की निंदा करते हैं। अभी रात की घटना है, पुलिस सब बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। सर, पहले ये भी देखा जा रहा है कि व्यक्ति के जो एक्ट आया है उसके विरोध में कैसे? देखिए, एक्ट का तो कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह लोगों ने अपने अपना तरीके से जहां भी किया है प्रदेश में, पर मुख्यमंत्री जी की यात्रा में कहीं पर भी पथराव नहीं हुआ, सिर्फ चुरहट में हुआ। और इसलिए इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। और कहीं पर भी जिन लोगों ने भी एक्ट का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ कहीं पर भी पथराव की घटना नहीं हुई, उन्होंने अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज किया है। परंतु ये जो घटना हुई है, ये चुरहट में घटना हुई है, और इसलिए घटना निश्चित रूप से संदेशपद है। कांग्रेस की बौखलाहट है। जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे घबरा कर उससे बौखलाहट में कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है। अजय सिंह जी जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति की सभी परंपराओं को तार तार कर दिया। मध्य प्रदेश में ये राजनीति नहीं है। यदि लड़ाई लड़नी है तो चुनाव में आइए, मुद्दों पर बातचीत कीजिए, विकास पर बात करिए। अब क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार चुरहट भी उनके हाथ से जाएगा, चुरहट में भी कमल खिलेगा, तो अपनी बौखलाहट दिखाने के लिए इस तरह के काम किया है। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा का प्रतीक है। ये प्रजातंत्र है, विरोध करने का अधिकार सबको है, उसका तोड़ तरीका है, अनेक प्रकार से विरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, इन्हें करना क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश को? कांग्रेस के लोग बिहार उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस का नेतृत्व बौखला गया है और लगातार वो षड्यंत्र करते आ रहे हैं। उनकी कोशिश है सामान्य वर्ग SC के लोगों को बढ़ा दो, वो पिछड़े वर्ग के सामान्य वर्ग से बढ़ा दो, और अब तो इतनी नीचता पर उतर आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के रथ पर भी पत्थर फेंकवाने का काम किया। इसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। कांग्रेस मुंह की खाएगी और जनता और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत हो रही है। पथराव हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने इशू बनाया कि कांग्रेस जो है उसके हाथ से सीधी इलाका भी निकलता जा रहा है, और इसीलिए बौखला कर मुख्यमंत्री की यात्रा पर पथराव करवाया गया। जबकि कांग्रेस सीधे सीधे इन तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। दो मंत्रियों का कांग्रेस पर आरोप है और सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो पथराव हुआ है मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का, ये कांग्रेस की तरफ से करवाया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि लोगों का समर्थन मुख्यमंत्री को लगातार मिलता जा रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा लगातार कामयाब हो रही है, और इसी वजह से विपक्ष यानी कि कांग्रेस बौखला गई है, और इसी वजह से कांग्रेस इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। जबकि कांग्रेस ने भी सीधे सीधे इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पथराव में उनका कोई हाथ नहीं है। कि ये कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाते, कांग्रेस के इससे क्या लेना देना। हम हिंसा की हमेशा से निंदा करते हैं और हिंसा के कभी भी पक्षधर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे तो लोग, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री की सभा के पहले ही कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो इससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं। आप ही ने फैलाया है, आप ही साफ करो। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की भी नौटंकियों पर उतर आएगी, ये बड़ी हैरत की बात है। चुनावों से पहले राजस्थान में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानविंदर सिंह 22 सितंबर को बाड़मेर में स्वाभिमान रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी से नाराज चल रहे मानविंदर सिंह उसी दिन कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा से भी मानविंदर ने दूरी बनाई हुई है। और यही नहीं, उन्होंने वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा से एन वक्त पहले अपनी रैली के लिए समर्थन जुटाने के लिए बाड़मेर जैसलमेर में वाहन रैली भी निकाली। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कर्नल सोनाराम को बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की टिकट देने के बाद से ही जसवंत सिंह और उनके परिवार और समर्थकों में बीजेपी से नाराजगी भी थी और इसीलिए उन्होंने दूरी बनाकर रखी थी। और खुद बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि मानवेंद्र सिंह का पार्टी से नाता करीब करीब टूट चुका है और वो न तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आते हैं और न ही उन्होंने वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा में हिस्सा लिया। वो हमारे बाड़मेर जिले के सम्माननीय विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से। पिछले लगभग 2 महीनों से पार्टी एक एक सेकेंड में अपनी गतिविधियाँ करती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी का इस समय सबसे स्वर्णिम काल है, जिस समय पार्टी बहुत बड़े स्तर पर बन चुकी है और अभी पार्टी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और अचीवमेंट प्राप्त करते हुए देश की सेवा करेगी। ऐसे समय में मानवीय सिंह जी द्वारा, मैं जिलाध्यक्ष के नाते उनको बार बार सूचना देने पर आग्रह करने के बावजूद भी वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम और गतिविधियों में आते हैं। मैंने पता किया उनका पार्टी से लगभग उनका संपर्क टूटता जा रहा है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, ये जानना चाहेंगे, ठीक है तल्खी काफी लंबे समय से थी, अब रास्ते भी अलग होते जा रहे हैं, बीजेपी इस बात को समझ रही है, लेकिन मानवेंद्र का अलग होना, इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना कितनी बड़ी चुनौती रहेगा बीजेपी के लिए और वसुंधरा राजे के लिए? देखिए, मानवेंद्र सिंह जो रैली कर रहे हैं 22 सितंबर को, उसके अंदर बीजेपी का नाम नहीं है, पोस्टर है उनके अंदर, जसवंत सिंह की तस्वीर है, खुद की तस्वीर है और जो एजेंडा बनाया जा रहा है वो साफ एक तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे बीजेपी को, वसुंधरा राजे को टारगेट कर रहे हैं और उसी रैली के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब इससे मानवेंद्र सिंह के अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पश्चिम राजस्थान के अंदर काफी कुछ जो समीकरण है, वहां के जातीय समीकरण है और वहां जो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर एक बड़ा धड़ा जो जसवंत सिंह को सपोर्ट करता है, तो क्या वो मानवेंद्र सिंह के साथ जाएगा? क्या कांग्रेस इस कोशिश में है कि वो मानवेंद्र सिंह के माध्यम से एक बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता अगली जातियों पर, खासतौर पर राजपूतों में, तो उनको लगता है कि अगर मानवेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन पर कांग्रेस की भी नजर रहेगी तो कांग्रेस उस में एंटर करना चाहती है, उस वोट बैंक को हासिल करना चाहती है, तो जाहिर तौर पर काफी चीजें बदल सकती है अगर वोट बैंक शिफ्ट होता मानवेंद्र सिंह के साथ में। जी जी, नजर बनाए रखिए भवानी, हम लौटेंगे आपके पास। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 10वें दिन भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं जबकि डीजल के दाम 71 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 86 रुपए 56 पैसे है जबकि डीजल के दाम 75 रुपए 54 पैसे हो गए हैं। दिल्ली NCR में CNG और PNG के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में CNG के दाम 42 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम जबकि नोएडा में 49 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम आज दर्ज किए जा रहे हैं।
मौजूद है दिल्ली के मूलचंद इलाके के एक पेट्रोल पंप पर, जहां रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनके बजट पर असर पड़ रहा है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में आज 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दाम में आज 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम जो कल 78 रुपये 91 पैसे थे, वो आज 69 रुपये 22 पैसे है। वहीं डीजल भी कल 70 रुपये 83 पैसे थे और आज 71 रुपये 20 पैसे है। लोगों का कहना है कि इस तरह पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से उनके बजट पर असर पड़ रहा है। सैलरी साल में एक बार बढ़ती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ निकट अली, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। किसी भी चीज़ में आप प्राइस बढ़ाओगे तो उसका बजट का तो इफेक्ट पड़ता ही, क्योंकि सैलरीज का जो है वो एक साल में एक बार बढ़ती है, वो भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बट पेट्रोल के प्राइसेस अगर डेली बढ़ेंगे तो उसमें आम आदमी के किसके बजट के ऊपर फर्क पड़ेगा। इस पर तो गवर्नमेंट को खुद को कुछ एनालाइज करना चाहिए। डेली रेट बढ़ ही रहा है हमारा तो पेट्रोल का, इससे वजह से हमारा बजट डेली बिगड़ता ही है। हर महीने डेली महीने का बजट बिगड़ रहा है हमारा, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिनों दिन जब भी आता हूँ पेट्रोल मतलब कम होता जा रहा है टंकी में और रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें। बहुत ज़्यादा मतलब बजट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि मुझे लगता है थोड़े दिन यही रहा तो साइकिल पर ही जाना पड़ेगा पैदल ऑफिस। डे बाय डे मीटर देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज लगता है, लेकिन अभी कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि इसके बारे में तो चलना है, डेली ऑफिस आना है तो आना है। कभी ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ मेट्रो से आना, तो मेट्रो का भी एक्सपेंस आजकल बढ़ने की वजह से मजबूरी है करना। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं और मायानगरी मुंबई में ये दाम बिल्कुल हाईवे पहुंच गए हैं। आज पेट्रोल का जो दाम है वो 86 रुपये 62 पैसे है और जबकि डीजल का दाम है जो वो 75 रुपये 54 पैसे है। इसके पहले जो दाम था कल जो है वो 86 रुपये करीब, जो आज जो है 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ जो डीजल के दाम है उसमें भी लगभग 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई। तो जाहिर सी बात है जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से जो दाम बढ़ रहे हैं वो लगातार हाई रेट पर जा रहे हैं और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में सबसे महंगा पेट्रोल जो मिलता है वो मुंबई मिलता है, तो आने दिनों में ये दाम और बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि जनता पर इसका ज़्यादा बोझ पड़ेगा। जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, जो गाड़ियों से चलते हैं, उनके ऊपर ये असर पड़ेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे हम उनसे बात, जो पेट्रोल भरवाने आए हैं, ये बताइए कि जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल भरवाने आते हैं, कितना असर पड़ रहा है जेब पर, कितना फर्क पड़ रहा है? हर बार हर दिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एक रुपये से है, 50 पैसे से, पता ही नहीं चल रहा है कैसे बढ़ रही है। हाल ही में 15-2 महीने पहले 84 या 85 रुपीज़ था, अभी अचानक से 87 कैसे हो गया हम लोग को पता नहीं। तो जो हफ्ते भर में जो हम लोग पेट्रोल भरते थे वो अभी 4 दिन में वापस भरना पड़ता है। 7 दिन में जो भरते थे अभी 4 दिन में वापस भरना पड़ता है। बहुत भाव बढ़ गया है और भाव बढ़ने से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत खर्चा आ रहा है। ये गवर्नमेंट भाव नहीं घटा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। सर रोजी भाव बढ़ रहा है, कोई आज नया दिन नहीं, हम तो आज 1-1.5 साल से देख रहे डेली भाव बढ़ रहा है। शायद मेरे ख्याल से 2015-16 में 45 रुपये था, आज 74-75 हो गया है। तो रोजी भाव बढ़ रहा है सर। इंडिया पेट्रोल बेच रहा है भूटान को 36-37 में और इंडिया में इतना महंगा 85 रुपीज़। गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कम हो ताकि हम लोग भी ज़्यादा राहत हो, क्योंकि हम लोग भी तकलीफ होता है, दूर दूर जाना होता है। तो पहले था 83 रुपीज़, 2 रुपीज़ था, अभी 84 हो गया। सो अभी जो पेट्रोल डलाते हैं लोग डेली, जो बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है उनका। सिविल काम करते हैं, अब ये जो अभी रेट इतना बढ़ रहे हैं, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। मिडिल क्लास वालों के तो बहुत प्रॉब्लम होता है, हाईएर वालों को तो चल जाता है। तो आप जो पेट्रोल खरीदते हैं वो किस तरीके से बाजार से आपको मिलता है ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली के रेट के मुताबिक डीजल पेट्रोल 39 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर खरीद रहा है। पेट्रोल पर डीजल का 3 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर कमीशन है। सरकार की ओर से पेट्रोल पर 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग रही है और दिल्ली में पेट्रोल पर 16 रुपए 82 पैसे वैट भी लग रहा है। तो 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 36 रुपए 30 पैसे टैक्स लग रहा है। ग्राहक को अभी दिल्ली के रेट के मुताबिक 89 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मिल रहा है। और इसी तरीके से डीजल की भी बात करते हैं, क्योंकि जो डीजल आप खरीदते हैं वो किस तरीके से बाजार में आता है और कैसे आप पर इतना ज्यादा आपकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली के रेट के मुताबिक डीजल का जो रेट है वो है 42 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर, जिसमें वो खरीदा जा रहा है। डीजल पर डीलर का 2 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर का कमीशन होता है। सरकार की ओर से डीजल पर 15 रुपए 33 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है। दिल्ली में डीजल पर 10 रुपए 46 पैसे वैट लग रहा है।
रहा है। एक लीटर डीजल पर कुल 25.89 रुपए टैक्स लग रहा है। ग्राहक को अभी दिल्ली के रेट के मुताबिक 71.15 रुपए प्रति लीटर में डीजल मिल रहा है। तो पिछले कुछ सालों में पेट्रोल से सरकार की कमाई के आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो साल 2014 की बात करें तो 14 और 15 के बीच में सरकार को पेट्रोल से 1,72,000 करोड़ की कमाई हुई थी। इसी तरीके से साल 2015 और 16 के बीच में ये बढ़कर 2,53,000 करोड़ हो गई। 2016-17 की बात करें तो ये 3,34,000 करोड़ रुपए हुई है।